हेलो गाइस, तो आज हम लोग देखेंगे एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है लॉग एंटी लॉग। इसको हम आज देखेंगे। ये 11 ट्वेल्थ में काफ़ी यूज़ होता है, लॉग एंटी लॉग सॉल्व करने को आता है बार बार। काफ़ी केमिस्ट्री में ऐसे न्यूमेरिकल मिलेंगे, इसमें लॉग सॉल्व करना होता है। एक्चुअल में 11 ट्वेल्थ में हमारे पास कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, अदरवाइज कैलकुलेटर से सॉल्व हो जाता है लॉग एंटी लॉग। ट्वेल्थ के बाद आपको कैलकुलेटर मिल जाएगा, बट जब तक ट्वेल्थ में हो आप तो आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, तो आपको लॉग एंटी लॉग सॉल्व करना आना चाहिए। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लॉग एंटी लॉग कैसे सॉल्व करें, और सबसे सिंपलेस्ट मेथड मैं बताऊंगा लॉग एंटी लॉग को सॉल्व करने का। तो देखेंगे यहाँ पर, देखो लॉग एंटी लॉग सॉल्व करने से पहले आपको, लॉग भी मैथमेटिकल फंक्शन है तो इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं जो आपको बेसिक पता होने चाहिए। एक फॉर्मूला होता है लॉग एम इंटू एन, कभी भी लॉग एम इंटू एन दिया है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, लॉग एम प्लस लॉग एन। लॉग एम बाय एन है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, लॉग एम माइनस लॉग एन लिख सकते हो। लॉग एम की पावर एन है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, पावर आगे आ जाती है एन लॉग एम। कभी लॉग एम की पावर एन है तो पावर आगे आ जाती है एन लॉग एम हो जाता है। लॉग टेन की वैल्यू क्या होती है, वन। लॉग वन की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो। और ln x, ln होता है नेचुरल लॉग, ln क्या होता है, नेचुरल लॉग। तो नेचुरल लॉग को हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं बस, और हमें पता है 11 ट्वेल्थ में हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है तो इसको पहले हम किस में सॉल्व करेंगे, लॉग में कन्वर्ट कर लेंगे। तो लॉग में और नेचुरल लॉग में क्या रिलेशन होता है, 2.303 log x। तो अगर नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करना है तो उसे क्या कर दो, 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपके कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद होने चाहिए। जब आप ये फॉर्मूलेज याद कर लोगे तो आप लॉग एंटी लॉग को सॉल्व कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको आज बता दूंगा सारे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। जितने भी केसेस आपके पास केमिस्ट्री में यूज़ होते हैं वो सारे केसेस मैं अभी डिस्कस कर दूंगा यहाँ पे लॉग एंटी लॉग के। तो स्टार्ट करते हैं, ये आप याद कर लेना, फिर इसके बाद ये फॉर्मूले लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। देन हम लोग आते हैं इसके बाद केस नंबर वन। सबसे पहले क्वेश्चन है, जैसे केस वन है हमारे पास। तो केस वन में हमको क्या करना है, पहले जैसे एक वैल्यू दे दिया आपको लॉग 24.36, जैसे ये वैल्यू आपको सॉल्व करनी है लॉग 24.36। तो मेरी एक एक वर्ड को आप ध्यान से सुनिएगा और इसी को फॉलोअप कीजिएगा कैसे करना है। देखो सबसे पहले पॉइंट को भूल जाओ, पहली दो डिजिट की वैल्यू थर्ड में देखो, विच मीन्स 24 की वैल्यू आपको कहाँ देखनी है, थ्री में देखनी है। तो लॉग टेबल मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, लॉग टेबल होगी यहाँ पे, लॉक टेबल ओपन कर रखिए। हाँ जी, ये देखो ये लॉक टेबल है ना हमारे पास, ये लॉक टेबल चल रही है, इसमें अभी एंटी लॉग चल रहा है, ये लॉग आ गया। हाँ ये लॉक टेबल है, ये वाली जो टेबल देख रहे हो आप ये मेन टेबल है, और ये साइड में 1, 2, 3 से 9 तक, एक बार ये n के आगे 0 से 9 तक, ये मेन टेबल होती है और ये मीन टेबल होती है। इस मीन टेबल का हम बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ इस मेन टेबल से ध्यान देंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, पहले वैल्यू कौन सी है, ज़ीरो, उसके बाद 1, 2, 3 ऐसे चल रहा है, पहला ज़ीरो है, यहाँ पे 10 से स्टार्ट हो रही है वैल्यूज़, है ना। तो हमें 24 की वैल्यू 6 में देखनी है, तो 24 की वैल्यूज देखेंगे आप, ये यहाँ ये पहला वाला 49 तक है, इसमें 24, ये देखो 24 की वैल्यू, पहली वैल्यू ज़ीरो होगी, ज़ीरो में 3802 है, 1 में 3820 है, 2 में 3838 है, 3 में 3856 है, 4 में 3874 है, 5 में 3892 है, 6 में 3909 है। तो 24 की वैल्यू 6 में क्या है, 3 में देखनी थी हमको, 24 की वैल्यू हमको किस में देखनी है, 24 की वैल्यू हमको 3 में देखनी है, सॉरी हमने 6 में देख ली, हमें 3 में देखनी है 24 की वैल्यू 3 में। तो 0, 1, 2, 3, 3, 8, 5, 6 क्या वैल्यू है, 3, 8, 5, 6। तो यहाँ लिखेंगे इस तरीके से 3, 8, 5, 6। पॉइंट के पहले कितनी डिजिट हैं, दो डिजिट, हमेशा आपको ध्यान रखना है पॉइंट के पहले कितनी डिजिट है। देखो पॉइंट दो डिजिट के पहले था ना, पॉइंट के पहले कितनी डिजिट, दो डिजिट है, उसमें से हमेशा क्या माइनस करो, एक माइनस करो। हमेशा क्या करना है, जितनी डिजिट पॉइंट के पहले है उसमें से एक माइनस कर रहा है आपको हर बार। तो दो में से एक गया, कितना हो गया, वन, वन लिख के यहाँ पे पॉइंट लगा देना, ये आपका लॉग सॉल्व हो गया। ठीक है गाइस, सेम यही करना है आपको हर बार, 1.3856 आपका लॉग की वैल्यू आ गई। इसी तरीके सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम, सेकंड वाला कोई पार्ट देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है एक दूसरा केस, इसी तरीके से लॉग 7.342 ये वैल्यू हमको सॉल्व करनी है।
अगेन सेम चीज़ जो उसमें करी थी वही यहाँ पे भी करेंगे। सबसे पहले पॉइंट को भूल जाओ, पहली दो डिजिट की वैल्यू थर्ड में देखो, विच मीन 73 की वैल्यू कहाँ देखो, फोर में देखो। 73 की वैल्यू फोर में देखनी है आपको, 73 की वैल्यू फोर में। यहाँ इस वाले टेबल पे तो 49 तक ही है आप देख रहे हो, तो इसमें आना होगा लॉग में 74 की वैल्यू हमको किस में देखनी है, 73 की वैल्यू फोर में देखनी है हमको। 73 की वैल्यू आ गई 0 1 2 3, 73 की वैल्यू थ्री में, फोर में, फोर में है 8 6 5 7। क्या वैल्यू है? 8 6 5 7। यहाँ पे लिख देंगे जो हमको वैल्यू मिली उसको लिख देंगे 8 6 5 7। पॉइंट के पहले कितनी डिजिट है? पॉइंट के पहले एक डिजिट है। पॉइंट के पहले कितनी डिजिट है? एक। तो पॉइंट के पहले जितनी डिजिट होती है उसमें से क्या माइनस करते हैं? हमेशा 1 माइनस करते हैं। आंसर क्या आएगा? 0। तो क्या लिख देंगे? 0 पॉइंट। ठीक है, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर पॉइंट, नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल, है ना, पॉइंट से पहले कितनी डिजिट है उसमें से क्या माइनस करना है आपको? हर बार 1 माइनस करना है। तो जो आंसर आता है उसको लिख के पॉइंट लगा देना है। लॉग इस तरीके से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट केस आएगा, देखो लॉग के जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको ये बात ध्यान रखनी है कि जो वैल्यू है हमें किस फॉर्म में देनी है, लॉग की वैल्यू हमको किस फॉर्म में मिलनी चाहिए? स्टैंडर्ड फॉर्म में मिलनी चाहिए। अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं मिली है तो लॉग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें जो वैल्यू है देखो किस फॉर्म में दी हुई है, 0.00048 ये हमारे पास वैल्यू है, इसको सॉल्व करना है। तो आप देख रहे हो देखो डेसिमल के पहले इस बार जीरो है, जीरो नहीं होना चाहिए, बस डेसिमल के पहले कोई नंबर होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है। नंबर यहाँ पे देखोगे तो क्या है? फोर है। अब मुझे इसको 4.8 लिखना है। 4.8 अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये क्या बन जाएगा? 10 की पावर -4 बन जाएगा ना। 4.8 × 10 की पावर क्या बन जाएगा? -4 बन जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था लॉग एम इंटू एन, लॉग एम इंटू एन का फॉर्मूला देखो ऊपर क्या था, लॉग एम इंटू एन का फॉर्मूला था लॉग एम प्लस लॉग एन, है ना, पहला फॉर्मूला मैंने बताया था। लॉग एम इंटू एन की फॉर्म में आ गया ये, तो इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम प्लस लॉग एन लिख सकते हैं इसको, है ना, लॉग एम प्लस लॉग एन की फॉर्म में आ गया। अब ये तो वही पार्ट बन गया जैसे हम पीछे सॉल्व कर रहे थे, ये वाला पार्ट अलग से सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, पॉइंट को भूल जाओ, पहली दो डिजिट की वैल्यू थर्ड में देखो, पहली दो डिजिट 48 ही है, पॉइंट को भूल गए। पॉइंट को भूलने के बाद अब दो डिजिट देखनी है आपको, ठीक है, पॉइंट के, पॉइंट को भूल जाओ, पहली दो डिजिट की वैल्यू थर्ड में देखो, कुछ नहीं है तो जीरो है, है ना, पॉइंट के बाद जीरो तो आ सकता है ना। पहली दो डिजिट की वैल्यू थर्ड में, मतलब 48 की वैल्यू जीरो में देखनी है आपको। 48 की वैल्यू जीरो में लॉग टेबल में देखते हैं, 48 की वैल्यू जीरो में ये आ गया, 48 की वैल्यू जीरो में देखो 6812 है, 48 की वैल्यू जीरो में क्या है? 6812। तो इसको लिख देते हैं हम लोग, 48 की वैल्यू जीरो में क्या है? 6812। फिर पॉइंट के पहले कितनी डिजिट थी? एक डिजिट थी, है ना, उसमें से क्या माइनस करना है आपको? हर बार 1 माइनस करना है। पॉइंट के पहले जितनी डिजिट होती है उसमें से 1 माइनस कर दो। क्या आंसर आया? 0। जो आंसर आता है उसको लिख के पॉइंट लगा दो, 0.6812 प्लस ये लॉग m की पावर n, ये इस फॉर्म में दिख रहा है आपको, लॉग m की पावर n है। जब लॉग m की पावर n, m की पावर n होती है तो फॉर्मूला क्या बनता है? n log m, log m की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? n log m, पावर आगे आती है ना, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो n log m का मतलब हो गया कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, n log m मतलब पावर आगे आती है, पावर आगे आती है, तो ये नहीं लिखना आपको, यहाँ पे ये लिखना है, -4 आगे आ जाएगा और log 10, है ना। log 10 की वैल्यू आपको याद होगी, मैंने बताया था 1 था, 0.6812 प्लस log 10 की वैल्यू क्या है? 1, log 10 की वैल्यू 1 बताई थी मैंने, और ये हो गया 4 × 1 4 हो गया 0.6812 -4, तो ये आंसर आएगा -3.188। ये आपका सॉल्व हो गया log, ठीक है भाई। तो log के लिए आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, स्टैंडर्ड फॉर्म कह लो या फिर पॉइंट के पहले जीरो नहीं होना चाहिए, बस कोई नंबर होना चाहिए, 1, 2, 3, 100, 200 कुछ भी हो, पॉइंट के पहले कोई नंबर होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। तो इस तरीके से फॉर्मूले वगैरह यूज़ होकर log सॉल्व हो जाएंगे। ये तीन केसेस देख लिए आपने, ये वाले मिलेंगे आपको। फिर आपको जैसे अभी देखते हैं ऐसा केस भी मिलेगा, एक केस नंबर फोर्थ, जब ऐसी वैल्यूज़ मिलेंगी log, जैसे log 5 आपको सॉल्व करना है, तो log 5 कैसे सॉल्व करेंगे आप? पॉइंट तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे इसको log 5 की वैल्यू, देखो log टेबल में 5 की वैल्यू दिखेगी नहीं आपको, जब आप log टेबल देखोगे तो log टेबल की स्टार्टिंग ही 10 से होती है ना। log टेबल की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? log टेबल आप देखोगे तो log टेबल की स्टार्टिंग 10 से हो रही है, देखो 1 से तो है ही नहीं, 1 से 5 तक की तो वैल्यू ही नहीं है। तो इस केस में हमको क्या करना है? इस केस में log 5 को देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5.00 लिख सकता हूँ, तो 5 को 5.00 लिख लेंगे। फिर पॉइंट को भूल जाओ, पहली दो डिजिट की वैल्यू कहाँ देखो? थर्ड में देखो, पहली दो डिजिट मतलब 50 की वैल्यू जीरो में। अब लॉग में 50 तो है ना, देखो लॉग 50 की वैल्यू जीरो में कहाँ, यहाँ पे देखते हैं ये आ रही है, लॉग 49 है ये,
ये 50, log 50 की वैल्यू जीरो में क्या है 6990, ये दिख रही होगी आपको 50 की वैल्यू जीरो में 6990, log 50 की वैल्यू जीरो में क्या है 6990। पॉइंट के पहले कितनी डिजिट थी, एक डिजिट थी, उसमें से क्या माइनस करना, वन माइनस करो तो क्या बचा, जीरो, जीरो पॉइंट, ठीक है ना, 0.6990, दैट्स इट। तो अगर आपको ऐसा दिखे लॉग 1, 2, 3, 4 ऐसी कोई वैल्यू हो तो 0.00 करके लिख लीजिएगा, है ना। तो देखो लॉग 10 की वैल्यू, लॉग 10 की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई है, लॉग 10 की वैल्यू मैंने आपको बताई है 1, है ना। लेकिन लॉग 10 की वैल्यू यहाँ देखोगे आपको क्या मिलेगी, लॉग 10 की वैल्यू देखते हैं, लॉग 10 की वैल्यू देखो यहाँ मिल रही है 0000, लॉग 10 की वैल्यू तो 000 है ना। तो मैंने आपको लॉग 10 की वैल्यू 1 क्यों बनाई, तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो 10 को मैंने ही बताया, लॉग 10 को कैसे लिखेंगे, 0.00 करके लिखेंगे, पॉइंट को भूल जाओ, पहली दो डिजिट की वैल्यू कहाँ देखो, थर्ड में देखो, लॉग 10 की वैल्यू 0 में देखो, लॉग 10 की वैल्यू कहाँ देखो, 0 में देखो, लॉग 10 की वैल्यू 0 में देखेंगे तो अभी आपने देखा 0000 मिलेगी आपको, है ना। पॉइंट के पहले कितने डिजिट है, दो डिजिट है, दो में से एक माइनस करोगे कितना आएगा, एक, तो दो में से एक गया एक, 1.00 लिखेंगे ना, 1.00 तो 1 के बराबर हुआ ना, इसलिए log 10 की वैल्यू क्या हो गई, 1, ठीक। ये वाले केसेस आपको इस तरीके से मिलेंगे, तो ये ध्यान रखना है। इस तरीके से मैंने आपको log 1 0 याद कराया, log 1 देखो सॉल्व कर लेते हैं, log 1 को लिखेंगे तो 0.00, पॉइंट को भूल जाओ, पहली दो डिजिट की वैल्यू थर्ड में देखो, फिर अगेन log 10 की वैल्यू 0 में देखोगे फिर वही मिलेगी 0000, है ना, ये वैल्यू मिलेगी आपको, ठीक। फिर पॉइंट के पहले कितनी डिजिट है, पॉइंट के पहले एक डिजिट है, एक में से एक माइनस करोगे कितना आंसर आएगा, 0, तो 0.00 आएगा ना, 0.00 का मतलब क्या हुआ, 0 हो गया, ठीक है भाई। तो यहाँ तक आपको देख लेना है लॉग एंटी लॉग के, ये लॉग, सॉरी एंटी लॉग तो नहीं कराया मैंने आपको, लॉग की वीडियो बताई है, लॉग के सारे केसेस मैंने डिस्कस कर दिए हैं आपके सामने, पहले 5-6 फॉर्मूले हैं ये आपको याद कर लेने हैं। इसको याद करने के बाद आपको पहले ऐसे लॉग की कोई वैल्यू दी रहेगी उसको सॉल्व करना आना चाहिए, पॉइंट को भूल जाओ, पहली दो डिजिट की वैल्यू थर्ड में देखो, दैट्स इट। पॉइंट के पहले कितने डिजिट है उसमें से एक माइनस कर दो, जो नंबर आता है उसके आगे पॉइंट लगा के लिख दो, हर केस में आपको यही करना है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पॉइंट के पहले कोई नंबर नहीं है, जीरो नहीं होना चाहिए बस, पॉइंट के पहले 1, 2, 3, 4 अगर कोई नंबर नहीं है तो उसको इस नंबर वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, नंबर वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, देन जो आइडेंटिटी होगी वो आइडेंटिटी लगा के आप सॉल्व कर लेना इस तरीके से। लॉग 10 से पहले की कोई वैल्यू है, लॉग 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी कोई वैल्यू है अगर, तो फिर आपको क्या करना है, पॉइंट लगा के 0, 0 ले लेना है, ठीक है। बस यही सारे केसेस लॉग में आते हैं, तो होप आपको समझ आया होगा, ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंटी लॉग डिस्कस करेंगे जब।